أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم خير الراحمين آمنت بالله صدق الله العظيم جزاك الله जजाक अल्लाह। जितने दोस्त खड़े हैं एक दफा फिर उनसे रिक्वेस्ट है वाल एक दफा उन्होंने हाथ जुड़े ना कि अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखो। लोधरा प्रेस क्लब के सारे सहाफियां का इंतहाई मशहूर के उन्होंने टाइम कटे मैं इस्तकबालिया कलमात वास्ते अज के मेजबान को दावत खिताब देना पिया तुहाडे महबूब लीडर भरपूर तालियां दे इस्तकबाल करे सो मोहतरम जनाब मार मोहम्मद अकरम सियाल साहब मार अकरम सियाल और मोहम्मद अकरम सियाल मार रहमान रहीम। मैं स्टेज पर बैठे अपने तमाम मोजिज मेहमाना ने गिरामी और सहाफ़ी भाई प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे इलाके के तमाम मोजीन इलाका जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने महबूब कायद जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मोहतरम जनाब जहांगीर खान तरीन साहेब मियां मोहम्मद शफीक अरई साहेब नवाब अमानुल्लाह खान साहेब खान नज़ीर खान साहेब राना अरसलान साहेब खान सरदार अरशाद खान घल्लू साहेब सब यहाँ पर भी तशरीफ़ फरमा है। मैं कोई इतना मुकर्रर या कोई बड़ा सियासतदान तो हूँ नहीं मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ बाकी तफसील और तकरीर तो वो फरमाएंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे कायद जहांगीर खान तरीन ने जो अपनी आवाम से वादे किए थे वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब उन पे काम शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मराहल जो भी हैं आराम आराम से ये तय होते रहेंगे
क्योंकि हमें सब एहसास है बी कलोनी में ये तकरीबन 86 लाख से कोई अबव रकम है जो फेज़ 3 के लिए दी गई, वो भी मेरे कायद जहांगीर खान तरीन की कोशिश है, काबिश है। और जनाब मियां मोहम्मद जहांगीर खान तरीन जिंदाबाद, और जनाब मियां मोहम्मद शफीक अरई साहब की कोशिश है कि जिसकी वजह से हम इस नेमत से इंशाल्लाह अब मुस्तफीद होंगे। बकाया मामलात हैं इधर के 100 चेक के बकाया, जो आगा नदीम कलोनी की है, काले वाली कलोनी है, चेक नंबर 100M है। इंशाल्लाह उल अजीज़ अब मियां साहब से भी बात हुई है और तरीन साहब भी बिल्कुल रबते में हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह उल अजीज़ बहुत जल्द मैं आपको ये फंड लेकर दूंगा और इस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। मियां शफीक जिंदाबाद। बाकी हमें सब चीज़ों का एहसास है क्योंकि सबका अदवार में जो लोग बारियां लेते रहे उन्होंने काम नहीं किया, आप उनके साथ खड़े रहे हैं। आपने जैसे ही यहाँ पर जहांगीर खान तरीन साहब ने कदम रखा और मियां शफीक साहब, नवाब अमानुल्लाह खान साहब, खान नजीर खान साहब, ये चेहरे, ये सिर्फ और सिर्फ वही बात करते हैं जिस पे इंशाल्लाह वो पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। आप देख लें कि सबका दौर के अंदर जब नवाब अमानुल्लाह खान साहब MNA बने थे, मेरे ख्याल में उनको 15 से 17 साल तकरीबन होने वाले हैं, आदम बैंड से लेकर जलालपुर मोड़ तक मुलहिका जितनी आबादियां भी हैं, तो जितनी आबादियां भी हैं इन सब आबादियों को गैस जो है नवाब अमानुल्लाह खान साहब ने दी। हमारे MNA जनाब मियां मोहम्मद शफीक अरई साहब आप के दरमियान मौजूद हैं और मेरे कैद जनाब जहांगीर खान तरीन साहब हर लम्हा हमें देख रहे हैं कि मेरी टीम की क्या परफॉर्मेंस है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अपने कैद की जो भी अहकामात हैं उन पे पूरा उतरें और अपनी आवाम से किए हुए वादे हमेशा इंशाल्लाह हम निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। मैं अब मियां साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, नवाब अमानुल्लाह खान साहब भी, और मेरे भाई बड़े भाइयों की जगह हैं खान नज़ीर खान साहब, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सियासतदान के बेटे हैं, आप सभी उनसे वाकिफ़ हैं। हाजी चाचा अहमद खान बलोच साहब जो हमेशा हमेशा करते रहे हैं और मेरे कैद ने भी उन लोगों को चुना है जो साफ सुथरी सियासत के कैद हैं, क्योंकि मेरे कैद ने हमेशा साफ सुथरी सियासत की है। जितनी टीम है अब दिन रात कोशिश कर रही है, आपके सामने जो मेरे कैद ने मुझे काम दिए मैं उनकी तफसील थोड़ी सी आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मेरे कायद ने इतने 40 ट्रांसफार्मर मुझे दिए जो मैंने मुख्तलिफ इलाकों में तब्दील कराए, जैसे 50 से 100, 100 से 200, 25 से 50 के कराए, वो हर चीज़ मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड में रखता हूँ। उसके अलावा उसके अलावा चेक नंबर 100M में 2 LT प्रपोजलें हैं, एक तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, कोई थोड़ा सा काम उसका बकाया है, एक अब इंशाल्लाह प्रोसेस में है, वो बहुत जल्द आने वाली है, वो भी हो जाएगी। जहांगीर खान तरीन, नवाब अमानुल्लाह, नजीर खान बलोच, और एक बस्ती चक नंबर 100M में जिनाहाबाद गरबी, जिसकी बिजली
अब पोल शोल लग चुके हैं, तकरीबन वो काम भी मुकम्मल होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्द वो भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। बारकरम श्याल, बारकरम श्याल। मेरी कॉलोनी का एक बहुत बड़ा मसला था, जब नवाब साहब ने गैस दी तो उसके बाद एक पोर्शन जो गर्बी साइड वाला है रेलवे लाइन क्रॉसिंग वाला वो रह गया था। उसके लिए जब मैं चेयरमैन बना उस वक्त से लेकर तकरीबन 1.5 साल में कोशिश करता रहा। मेरे कायद जहांगीर खान तरीन साहब ने मुझे एक दिन भेजा किसी बंदे के पास कि इसको फलां को जाके मिलो। मैं उसे मिला और दूसरे दिन मेरा वो काम शुरू हो गया। वहां तकरीबन कोई 1000 घर है जो सुई गैस से मुस्तफीद हो रहा है। एक रोड है 6 किलोमीटर का जो खोखा स्टाप से लेकर बस्ती लाल कमाल तक है, 2.48 करोड़ रुपए, वो अभी काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ अब लुक होने वाली बकाया है। वो भी मेरे कायद ने मेहरबानी की, हमें गाहे बगाहे और भी काफ़ी सारे काम हैं जो देते रहे करते रहे। मियां साहब भी मेहरबानी करते हैं, उनके पास भी जितना फंड आता है वो भी हमें देते हैं। और इंशाल्लाह अजीज आज मैं यहाँ पर आप सब से ये वादा करता हूँ कि जब तक मेरे सांस में सांस है मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहे इंशाल्लाह। बारकरम श्याल, बारकरम श्याल, जहांगीर खातरीन। आपको पता है मैंने कभी कोई सेक्रेटरी खड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं हर बंदे का फोन खुद सुनता हूँ और दिन रात हर लम्हा मैं दोस्तों में बैठा हूँ, अवेलेबल हूँ। कोई मुझे आला अदना जो भी कॉल करता है मैं उसका जवाब भी देता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है उतना मैं काम भी कराता हूँ। अल्लाहुल अजीज जब तक मेरी जिंदगी है मेरे दरवाजे आप सब के लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे। जहांगीर खातरीन, बारकरम श्याल, नवाब अमानुल्लाह साहब, मैंने कल एक खबर सुनी थी कि यहाँ कुछ इस्तीफे मिल गए हैं, तो हमने बड़ा शुक्राना अदा किया अल्लाह का कि चलो इस्तीफे मिल गए हैं, एक जिमनी हम भी लड़के देखें आप। लेकिन पता चला कि इस्तीफे लिखने वाले और थे, साइन करने वाले और थे, सिर्फ फेसबुकों पे चढ़ाए गए। मैं उन सब को ये बता देना चाहता हूँ कि ये लोधरा अब इंशाल्लाह पीटीआई का गढ़ है इंशाल्लाह। इमरान खान के टाइगर, जहांगीर खान तरीन के टाइगर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर हर वक्त हर लम्हा मौजूद है इंशाल्लाह। पीटीआई सेक्रेटरीट में हो या मियां मोहम्मद शफीक राय साहब का डेरा हो या उन सेक्रेटरीट हो, वहां भी हर वक्त लोगों के काम हो रहे हैं और इंशाल्लाह होते रहेंगे। मैं इन अल्फाजों के साथ सब दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए, आपकी बहुत मेहरबानी है, आप हमेशा ऐसे मेरी इज्जत करते हैं और मैं भी हमेशा आपकी इज्जत करता हूं और हर वक्त आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान है। शुक्रिया। महारक्रम सियाल साहब, ये नारा वाली जो टीम है उनसे रिक्वेस्ट है कि टाइम थोड़ा है, ज़रा मेहरबानी कीजिएगा। एक दफ़ा फिर सहाफ़ियों का शुक्र गुज़ार हूँ, नेशनल प्रेस क्लब से भी मुझे इमरान साहब नज़र आए हैं, वो भी रॉयल न्यूज़ भी, अज़र बुखारी, बाकी सारे दोस्त, अब्दुल्ला डा साहब मौजूद हैं। नवाब साहब को चूँकि जल्दी है इसलिए प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ये जसारत कर रहा हूँ। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ साबिक MN ने हर्ज दलील शख्सियत जनाब नवाब अमानुल्लाह खान साहब। नवाब अमानुल्लाह साहब, नवाब अमानुल्लाह साहब जिंदाबाद, बारकम सियाज जिंदाबाद, मार शफीक जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सब को। पहले अज तुम्हारी मसीब के लोग तो आपको मुबारक हो, खैर मुबारक के तो कुछ सुई गैस मिलती थी। सुई गैस मौजूदा दौर बड़ा वड्डा तोहफा है आवाम के वास्ते, और इमरान खान ने, जहांगीर खान तरीन साहब ने और साढ़े हर्ज़ुल अज़ीज़ MN मियां शफीक राय साहब ने
बारी खिदमत पेश की है, तोहफा कबूल थी गया है। चलो शुक्रिया, इंशाल्लाह खिदमत करें दे रहा हूं, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया नवाब अमानुल्लाह साहब। ये नवाब अमानुल्लाह खान साहब थे, स्टेज पर क़यादत बहुत ज़्यादा मौजूद है और टाइम चूँकि थोड़ा है तो इनकी नौजवान क़यादत राना अरसलान खान साहब से दावत खिताब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं अहले इलाका बी कॉलोनी और जो लोग भी आज इस इफ्तिताह से मुस्तफ़ीद होंगे उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने कायद इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही हमारे लोथरा के लीडर, पाकिस्तान के लीडर जहांगीर खान तरीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मियां शफीक साहब MNA जिनकी काफ़िशों से ये सुई गैस का जो आज मंसूबा हमें मिला है, और मार अक्रम साहब जिन्होंने आप लोगों के लिए इस इलाके के लिए इतनी मेहनत की है, इन सब का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुई गैस आज के दौर में या इस साल में मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में LNG इंपोर्ट हो रही है जिसमें शाहिद खान हकान अब्बासी ने बहुत बड़ा करप्शन किया और बहुत पैसे बनाए दो नंबरी की और सुई गैस के महकमे को शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी हमारे कायदीन ने मेहनत करके यहां सुई गैस का इफ्तिताह करवाया, आप लोगों को सुई गैस मुहैया की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त LNG डॉलर के रेट पे पाकिस्तान को मिल रही है जो कि बहुत महंगी पड़ रही है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुई गैस इस वक्त बहुत बड़ा तोहफा है हमारे कायदीन का, मार अक्रम साहब का, मियां शफीक साहब का, जहांगीर खान तरीन साहब का और हमारे लीडर इमरान खान साहब का, हमें बेहद मशकूर होना चाहिए कि सुई गैस जैसी नेमत हमें यहाँ मिली है। एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद, शुक्रिया जी। राना अरसलान साहब आपसे खिताब कर रहे थे, मैं अब मुल्तमस हूँ, हमारा सरमाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, भरपूर तालियों में आपके मेहमान हैं जनाब नज़ीर खान बलोच साहब। ये मार साहब को दस्तार बंदी की जा रही है तो आप बारक्रम सेल, बारक्रम सेल, मियां शफीक रही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा ख्याल है तो थक के बैठे हुए देखो लगता है या सादी कारकर्दगी तो मुतमईन कह नहीं हुए, पता नहीं क्या ही में चुप ही हुए। गुजारिश है कि मैं सब तो पहले अपने कैद इमरान खान साहब का और जहांगीर खान तरीन साहब का बहुत मशहूर हाँ, जिन्होंने तरीन साहब ने अपने काविश नाल अपनी कोशिशों नाल कलील अरसे पैप भी नहीं लग सकता कि भला ये तो करोड़ों रुपए का सुई गैस लोधरा च आ चुके। वादा किया कि पट्ट सड़कों को ठीक करे सूँ, ये भी तो वादा किया कि कच्चे रोडों को पक्का करे सूँ, ये भी तो वादा किया कि कौड़े पानिया को मिठा करे सूँ। असा भी मौजूद हैं, साडा वादा भी मौजूद है, इंशाल्लाह हाली 3 साल भी मौजूद है, इंशाल्लाह घबराओ नहीं। असा जहांगीर खान तरीन साहब के नाल मियाँ शफीक रही साहब, मैं माह साहब का जिक्र ये मुजाहिद है किबला, मैं तो फेवरेट बंदा मेरा यकीन करो, ये ना झुकता है ना बिकता है, डट वेंदे। अगर लोधरा दे कोई बंदा मुखालफी अगर दुश्मन के मिटाने से मिटा न मिटूंगा, ठीक है जी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मैं मार साहब निशान दे इज्जत वाके शेर पर सा, न मुंह छुपा के जिए न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए न सर झुका के जिए, दुश्मन की नजर से नजर मिला के जिए, 4 दिन कम जिए तो कम ही सही, पर हम उनके साथ थे जो शमे जला के जिए। इंशाल्लाह ताकू जहांगीर खान तरीन साहब की टीम को कदा शिकायत ना सी, जिमें असा पहले खिदमत करें दिया से तो अगे तो बात की खिदमत करे सो इंशाल्लाह ताला। मैं समझदा कि कुछ सहूलियात ई थोड़े पीरियड के अंदर तरीन साहब के काफिशों नाल तो 4 करोड़ रुपए के बजट मिले, लेकिन साढ़े जिले की पसमानगी इतनी है, तो मसायल इतने
कि अस अरबों रुपए के बजट भी गिन तो असा तुम्हारी मुहब्बत खुदा की कसम एक लम्हे का हक अदा नहीं कर सकते। जहांगीर खान तरीन, वजीर खान बलोच, मार अकरम श्याल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त आवन साल या दो साल असा उतके में निकम में नहीं बैठे रहने किबला तो आधे हक वास की ते पता नहीं कितने कितने घंटे खड़ के जंग लड़ते हैं। सबको पता है कि असा वाल तो आधे जामने असा वाल तो आपको मुंह दिखावने तुसा साडे को सवाल पूछने इंशाल्लाह ताला भाईजान ढाई त्रै साल बाद मैं हाले को लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदि नहीं मैं इवें गुफ्तगू या आवारा मैं वादा करें पिया कि तरीन साहब की क्यादत इंशाल्लाह जिले की तब्दीली करके लिखे सो ऐसी तब्दीली करे सो कि मुखालिफ भी तस्लीम करे सन जिन्हें को एक करोड़ ना बनता तो दिखा है कि इतके क्या करें जिला लोधरा वास किते मैं एक दफा वाल तरीन साहब का मियाँ शफीक रही साहब का भाई अकरम साहब का और तमाम अहलिया ने इलाका का तुहाडे प्यार तुहाडे मुस्तकबल तुहाडे इस्तकबाल को सलाम पेश कर जिंदाबाद। मेहरबानी इमार का शिकवा डिवाइवे चले ना खान साहब को कि जनाब तुस नाराज थे बैठे या पता नहीं ठाडे दरवाजे ले खड़े तुसा मेरे को भी कलूने लगते पे हो तो आपको तो सुई गैस मिली है तो तुसा आराम नाल खड़े हुए और स्टेज पे बैठे बाकी की आदत के ने इंतहाई मादत टाइम थोड़ा आई इस वजह तो मैं हूँ चाहता कि उस शख्सियत को सदा जिन्हों ने इस सारे काविश हैं जिन्हों का बराबर का हिस्सा है तुम्हारी भरपूर तालियां हैं साढ़े एम एन ए मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद शफीक अरई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई नज़ीर खान साहब बलोच एम पी ए मार अकरम सियाल साहब तुहाडे नुमाइंदे तुहाडी यूनियन कौंसल के चेयरमैन मैं उन्हों का भी इंतहाई मशकूर हाँ कि उन्होंने अज इतना अच्छा फंक्शन इतना किते ना तुहाडे सारे दोस्तों को इकट्ठा किते और माशाल्लाह अज तक गैस का इफ्तिताह देते तुहाडे तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करें जो गैस का इफ्तिताह है ये तुहाडे इल्म च होवे कि तकरीबन 90 लाख रुपए का इंदो ते लगे और ये मार साहब की बड़ी काविश है मार साहब ने बड़ी हिम्मत की है और अल्लाह इन्हों को मजीद कामयाबियां देवे अपने हल्के दे विच भी और बाहर भी और तुसा देख सो कि इंशाल्लाह ये मजीद जेड़ा साडे लोधरां दी तकरीबन 22-23 वस्तियां हैं जेड़ियां कि हाल ही ना उन्हों को असा गैस मुहैया करने और उन्हें वास्ते असा दिन रात कोशिश करेंदे पे हैं कि उन्हां बकाया जेड़ियां साडियां आबादियां लोधरां शहर दियां उन्हों को जल्द अज जल्द जी है तुहाड़ी तरह उन्हों को भी गैस मिले और ताकि वह भी इन्हों साडियां बीबियां दे मावां जेड़ियां हैं वो इन सहूलत तो फायदा चावे इंशाल्लाह हर वेले वजीरे आजम वजीरे आला पंजाब दे हर वेले साड़ी ये लड़ाई और काविश होंदी है कि असा अपने इलाके वास्ते अपने वसेब वास्ते जेड़ी है ज्यादा तो ज्यादा तरक्याती काम गिन के आऊं तुहाडे सामने है तुहाडी जलालपुर रोड माशाल्लाह तकरीबन मुकम्मल थी चुकी है कि रोड पक्का लोधरा जड़ी सड़क है उनके उत्ते तेजी नाल काम थींदा पे इंदो बाद सब तो ज्यादा जड़ी तुहाडी ये 62 किलोमीटर दी जड़ी लोधरा मुल्तान रोड है उनके उत्ते अलहमदुलिल्लाह टेंडर थी गए और इंशाल्लाह एक दो महीने के अंदर अंदर उनके उत्ते भी काम थी वैसी और इंशाल्लाह तुसा देख सो कि लोधरा जड़ा है ओ मुल्तान दे नाल जिहड़ी साडी सड़क है ना पिछले कोई 50 साल तो ना जिहड़ी है वह टुट फुट का शिकार है इंशाल्लाह 13 अरब रुपए का वह मनसूबा है जिहड़ा तुहाडे लोधरा शहर को मिले मियां शफीक अरई मियां शफीक अरई जहांगीर हैदरी जिंदाबाद इंदे अलावा हुण तक असां 136 विलेजेस यानी 136 आबादियां को बिजली मुहैया कर चुके हैं और इंशाल्लाह ये अगले साल 126 बीयां जेड़ियां हैं वो असा देंदे पए हैं इंशाल्लाह 126 बे जेड़े देहात हैं उन्हां को बिजली मुहैया कर दसो मियां शफीक अरई मार अकरम सियाल जहांगीर खान तरीन।
इवें भाई नज़ीर खान साहब के नाल मिल के असा जी हर वेले काविश होने हैं कि असा केड़ी सड़क है उसको ठीक करने केड़ी सड़क है उसको नवा बनावने और हूँ भी असा कट्ठे थे हैं तो यही गाल आई कि चलो वजीर आला को मिलूँ चलो फलाना मनसूबा कहना हूँ फलाना कहना हूँ और उन्होंने मेरे ना वादा किए कि आप इकट्ठे थी के चलते हैं और इंशाल्लाह तुसा देख लो सारी खास तौर से मैं आज जिक्र करे थी है ना कि परमट तो लैके सारी गेलेवाल वाली सड़क इंतहाई जड़ी है वो खस्ता हालत है और इंशाल्लाह असा वजीर आला तो मिल के इंशाल्लाह अगले बजट मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सड़क जड़ी है उनको असा दोबारा जड़ी है। शफी कराई जहांगीर खातरीन बारकरम सियाल और खास तौर पर बी कलोनी दे कोई मजीद जड़े मसाइल हैं कोई सेवरेज दे हैं कोई वाटर सप्लाई दे हैं कोई बिजली दे हैं इंशाल्लाह मार साहब के नाल मिल के जिता जिता कोई इन्होंने जरूरियात हैं पूरी कोशिश हो सी कि असा उन्हों को जड़ा है वो वसाइल मुहैया करूँ और तुहारे वास्ते आसानियाँ पैदा करूँ वक्त की कमी है सारे दोस्त काफ़ी देर से इंतजार कर बैठे और खास तौर पर जरा सौ चाके उनके भी जड़े मसाइल हैं वह भी इंशाल्लाह असा तुहारे सारे इंशाल्लाह मिल के हल करेसूँ और इन्हें तुस तावन करो सारे नाल ते ना तुसा सारे जेड़े ही वे तुसा सारे नाल मिल के मैं हर वेले थी होना पूरा हफ्ता तकरीबन एक एतवार नहीं होता बाकी थी होना कई बिराक कोई शिकायत होवे कोई मसला आवे मैं थी होना जेले मर्जी तुसा आओ इंशाल्लाह ताको मैं थी मिलसा 11 बजे तो बाद तो तुसा तुम्हारी आसानी वास्ते मैं थी होना तो तुसा बेफिक्र थी के जेले मर्जी आओ और इंशाल्लाह ताकू कोई मायूसी ना थी सी चार कलासरा वाला और ना जेड़े बाकी ना बिजली दे गैस का मसला इंशाल्लाह वो भी हल करे सुन तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया सारे को अस्सलाम वालेकुम।